ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित एक सरकारी स्कूल के चपरासी पर स्कूल की नाबालिग छात्राओं के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये चपरासी कुछ दिन पहले स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करता रहता था, जिस संदर्भ में स्कूल की छात्राओं ने अपने परिजनों को शिकायत की। इस संदर्भ में बराड़ी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा चपरासी के खिलाफ छानबीन जारी है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित एक सरकारी स्कूल के चपरासी पर स्कूल के नाबालिग छात्राओं के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में भराड़ी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा चपरासी के खिलाफ छानबीन जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये चपरासी कुछ दिन पहले स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करता रहता था, जिस संदर्भ में स्कूल की छात्राओं ने अपने परिजनों से शिकायत की है। छात्राओं के परिजनों के द्वारा इस संदर्भ में स्कूल प्रधानाचार्य को भी शिकायत पत्र दिया गया है तथा बाद में मामले को गंभीर समझते हुए साथ लगते थाने में शिकायत कर दी गई है, जिसमें भराड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया गया है तथा छानबीन की जा रही है। वहीं डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि भराड़ी थाना में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है तथा छानबीन की जा रही है। अंतर्गत गढ़ियाड़वी स्कूल है, उसके कुछ बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई उनके जो बच्चे हैं उनके साथ वहाँ का जो बॉर्डर कैरियर है उसने उनके साथ छेड़खानी की है और गंदी हरकतें की है। उसकी बिना पे हमने FIR दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। जो भी